जालंधर में गुरुवार को एक तेंदुआ आबादी में घुसाया। यह खतरनाक जानवर इलाके में वन विभाग के कर्मचारी समेत 5 लोगों को जख्मी कर चुका है। वहीं पिछले करीब 8-9 घंटे से ज्यादा तक काबू में नहीं आया। बताया जा रहा है कि एक घर के कमरे में छिपकर बैठ गया था। बहरहाल दहशत के बीच तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी है। लंबापिंड इलाके के रहने वाले संतोख सिंह ने बताया कि सुबह वह खेतों में काम कर रहा था तो उसने एक तेंदुए को आबादी की तरफ जाते देखा। इस पर उसने मोहल्ले में लोगों को जानकारी दी। दूसरी ओर इस बारे में परमजीत कौर नामक महिला ने बताया कि सुबह 9 बजे मोहल्ले में हल्ला मचा और उसके पति हरदयाल बाहर की तरफ देखने लगे तो तेंदुआ 7 फीट का गेट फांदकर छत पर पहुंचा और फिर इधर उधर कूद फांद मचाने लगा। आनन फानन में वन विभाग को सूचित किया गया तो टीम ने आकर तेंदुओं को काबू करने की कोशिश शुरू की। 2 बार उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन फेंकेंगे और फिर जब जाल में फेंका गया तो बेहोश समझा जा रहा था। तेंदुआ खाली प्लाट से पहले 5 फीट की दीवार तो फिर लोगों को हमला कर घायल करते हुए और 5 फीट की ऊंचाई चढ़कर छतों के रास्ते गलियों से होता हुआ एक घर में जा घुसा। अब करीब 9 घंटों से गुरुद्वारा छठी बादशाही के पास घर में कमरे में छिपा बैठा रहा। घायलों में खाली जगह में भट्टी लगाने वाले सोडी लाल भी शामिल है। जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो तेंदुआ उसके ऊपर कूद गया। एक अन्य युवक संजीव और वन विभाग का कर्मचारी प्रदीप कुमार को जख्मी करके गलियों में भाग गया। इसके अलावा 2 लोग और भी चपेट में हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। जालंधर से गगन की रिपोर्ट।